गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ 5, जो एक कविता है। कविता का नाम है कोयल की कूक। कोयल की कूक कविता के जो कवि हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, वो हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इन्होंने बसंत ऋतु में कोयल पर से इस कविता को लिखा है। उसका एक सुंदर वर्णन इस कविता में किया है, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। काली काली कुकू करती, जो है डाली डाली फिरती। एक पक्षी के बारे में वर्णन है कि वो काली काली है, कुकू करके वो अपनी आवाज़ सुनाती है, जो डाली डाली फिरती, हर पेड़ की हर डाली पर वो घूमती दिखाई देती है। कुछ अपनी ही धुन में ऐठी, धुन में है यानी गाती बजाती और अपनी धुन में है, अपनी खुशी में है, और ऐठी है मतलब इतरा रही है, खुश हो रही है, अपने आप को खुशी अपनी जाहिर कर रही है। छिपी हरे पत्तों में है बैठी, हरे हरे पत्ते हैं पेड़ों में और उनके बीच में वो बैठी हुई है। जो पंचम सुर में है गाती, सुरीली आवाज़ में, सुरीले उसका स्वर है जो सबके मन को मोह रहा है, ऐसे सुंदर स्वर में वो गा रही है, वो ही कोयल कहलाती है। ये जो पक्षी है कौन सा है, जो पंचम स्वर में गा रहा है, अपनी धुन में बैठा है, हरे पत्तों के बीच बैठा है, काला काला है, कुकू कर रहा है, ये है कोयल कहलाती। कोयल पक्षी का यहाँ वर्णन किया गया है। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, जब ठंड कम होने लगती है, ठंड का मौसम जाता रहता है, अब गर्मियों का मौसम आता रहता है, ग्रीष्म ऋतु आने वाली रहती है, शीत ऋतु जाने वाली रहती है, और उसके बीच का जो मौसम रहता है, जो न ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है, उस समय का वर्णन किया गया है। तब होता है समा निराला, बहुत सुंदर मौसम होता है तब, जी को बहुत लुभावने वाला, सभी के मन को वो मौसम बहुत अच्छा लगता है, मन को मोह लेता है। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं, सारे जो पेड़ सूखे हुए रहते हैं, साल भर की पत्तियां उनकी हट जाती हैं और ताज़ी नए पत्ते आते रहते हैं, कोमल पत्ते आते रहते हैं, ऐसे समय का इसमें वर्णन किया गया है। कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से, इस समय में जो मौसम रहता है उसमें नए नए फल फलियां लगते हैं, नए नए कोमल कलियां खिलती हैं, भांति भांति वे लग जाते हैं, सारे पेड़ पौधे जो रहते हैं वो कोमल कलियों से, हरी पत्तियों से, फलों से, फलियों से लदे हुए दिखाई देते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, मन को भाने वाले। रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, यानी रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल भी खिल रहे हैं और वो फूल सब जो है वो मन को बहुत लुभा रहे हैं। बसी हवा बहने लगती है, जो हवा है उसमें भी उसकी खुशबू आ रही है, जो फूलों की खुशबू है, जो कलियों की खुशबू है, ऐसी सुंदर खुशबू से वो जो हवा है वो भी मन को अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें भी खुशबू है। दिशा महकने सब लगती है, चारों दिशाएं जो हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो सारी दिशाएं उन फूलों की खुशबू से, उस हवा से महकने लगती हैं। तब यह मतवाली होकर झूम झूम डाली डाली पर, इस समय में कोयल क्या करती है, मतवाली हो जाती है, बिल्कुल मदमस्त हो जाती है, खुश हो जाती है, और वो अपनी मतवालेपन में, अपनी खुशी में वो हर डालियों पर झूम झूम कर जाती है, अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। बड़ा सुंदर लगता है जब
फूलों की खुशबू के साथ कोयल की कूक भी सुनाई दे रही है और ऐसे समय में वो सबके मन को मोह लेती है, खुश होती है। बच्चों, जब अपना मुंह खोलो तुम भी मीठी बोली बोलो। बच्चों, अब हमारे लिए भी ये शिक्षा है, जब हम प्रकृति का इतना अच्छा वर्णन देख रहे हैं कि चिड़ियों का, कोयल का, फलों का, फलियों का, पत्तों का, हवा का, सबका वर्णन दिया है, तो यहाँ हमारे लिए भी शिक्षा है कि हम भी जब अपना मुंह खोलते हैं, किसी के लिए कुछ बोलते हैं, तो हमें अच्छा वचन बोलना है, दूसरों को दिल को दुखाने वाला नहीं लेकिन दिल को सुकून देने वाला वचन बोलना है, जो दिल को खुश करने वाला हो, ऐसा वचन हमें अपने मुंह से भी निकालना है। जैसे कोयल की आवाज़ सबको अच्छी लगती है, वैसे ही हमारी आवाज़, हमारा वचन भी सबको पसंद आना चाहिए, ऐसा वचन बोलना है। इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। इससे आपको भी अच्छा लगेगा कि आप दूसरों को सुकून दे रहे हो और दूसरे लोग भी आपकी तारीफ करेंगे, आपको अपना आदर्श बनाएंगे कि आपके वचन से, आपकी बातचीत से दूसरों को सुकून मिलता है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि कोयल की सुंदर सुरीली आवाज़ की तरह हमें भी अपने जीवन में अच्छा बोलना है, अच्छा रहना है, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बने, खुशियों का कारण बने, ना कि किसी के लिए हम परेशानी का कारण बने। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिओर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी आज कविता यहाँ समाप्त होती है। मैं कविता भी आपको भेज रही हूँ, इस कविता को भी आपको याद करना है और इसके साथ साथ इसके शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर और सारा रिटर्न वर्क हम आपको पीडीएफ कर देंगे। तो इस कविता को मेहरबानी से आप याद करिए, हम आपको लिख के भेज रहे हैं, 10 लाइनें। थैंक यू।